हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेंजर का, जो अगर 4000 वाट एम्पलीफायर है और एक 700 वाट का एम्पलीफायर है, जिसमें हम 315 का डबल बॉक्स और 6 जो ट्यूटर है वो कनेक्शन करके पूरा हमने पूरा बजाया है। और अगर आपके भी पास 315 का सेटअप है या फिर आपके पास 6 ट्यूटर है तो आप इस तरह बजा सकते हैं जैसे हम कनेक्शन करके आपको दिखाए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पे हम 315 का एक सेटअप जो है आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो बॉक्स है और इधर मेरा जितना सारे सेटअप है, क्या क्या मशीन लगाए हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेबलाइजर वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो आपको यहाँ पे देखिए, ये ऊपर में एक मिक्सर भी लगा हुआ है, UM6 है, स्टेंजर का है। और ऐसे यहाँ पे जो आप एम्पलीफायर देख रहे हैं ये 4000 वाट का है और ऊपर का जो है 700 वाट का एम्पलीफायर लगा हुआ है। हाँ, जो कि जो 700 वाट का एम्पलीफायर है वो उससे हम यहाँ पे ट्यूटर बजाते हैं। और आप देख सकते हैं जो 4000 वाट का जो एम्पलीफायर है उससे हम एक चैनल जो 2000 वाट आता है उससे हम 315 का कनेक्शन किए हैं। और इसमें जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही ठीक ठाक है। मतलब इसे अगर आप मान लीजिए 315 को एक ऐसे जो स्टेबलाइजर होता है 4000 वाट में, तो 5 kV लगाना पड़ता है, क्योंकि 5 kV अगर 4000 वाट है तो 5 kV उसके लिए बहुत बढ़िया स्टेबलाइजर है। तो हमेशा आप ध्यान दें कि जैसे आपका जो 4000 वाट का मशीन है तो या तो आप 5000 का वाट मशीन है तो आप 5 kV का स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। उसके बाद हम बैक पैनल आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का कनेक्शन हम यहाँ पे जो मिक्सर से दोनों को किए हैं, एक चैनल पे हमने एक पोर्ट दे दिए हैं और दूसरा जो कनेक्शन है 700 वाट पे इनपुट पे दे दिए हैं। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कनेक्शन है ट्विटर का 2 ओम में मैंने कर दिए हैं। और जैसे कि आपको पता ही होगा जो 4000 वाट का है जो डबल चैनल का, वो हम एक चैनल से काम कर रहे हैं, जो 2000 वाट आता है उससे हम 315 का डबल बॉक्स कनेक्शन किए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जो इधर का स्टेबलाइजर वगैरह जो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, इधर देख सकते हैं जो कि एक बोर्ड छोटा सा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स और उसके ऊपर यहाँ पे ट्यूटर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने बताया कि जो UM6 स्टेंजर का 6 चैनल का जो मिक्सर आता है उसका जो जो ऑक्स केबल है वो अपने मोबाइल से यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। और जिसके जो वॉल्यूम है लगभग हम 70 से 80% तक खोलते हैं कभी कभी, लेकिन उतना खोलते नहीं है, हक मतलब हद से हद 6 या 7 तक खोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कनेक्शन है आप देख सकते हैं, जैसे ट्विटर का कनेक्शन ऊपर से हम 700 वाट से किए हैं और इधर का जो नज़ारा है बॉक्स का आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो लड़का लोग है देख सकते हैं इधर कनेक्शन करके बजा रहा है। और यहाँ पे जो ट्विटर है हमने 6 ट्विटर दिए हैं, जो कि आप यहाँ पे 100 100 वाट बोलता है लेकिन वहाँ पे एक्चुअल 80 वाट करके रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 100 100 वाट है तो 600 वाट ही होता है। और जो मेरा स्टेंजर है PVT701 जो कि 700 वाट का एम्पलीफायर है, तो यही एक कनेक्शन है। तो देख सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह और भी वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटी दबा दीजिएगा। फिर मुझे अगले वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।